ब्रेक के बाद एक बार फिर से रवाल उनके बहुत बहुत स्वागत हुआ एक्टिव विल शुभ गृह लक्ष्मी में। हमनी के बानिस्तान आज खुशबू भौजी के यहाँ, खुशबू भौजी और हिमांशु भैया हमने के साथ में बैठे बने। और अगला जो हमनी के गेम बा उसमें जाए से पहले हम रवाल उनके बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे ले आए बानी, जहाँ इन लोग के प्यार की चर्चा हुई, जहाँ इन लोग के मोहब्बत की चर्चा हुई, जहाँ इन लोग के ब्याह की चर्चा हुई। तो भौजी आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा कि आप लोग कॉलेज में एक दूसरे से मिले और आप लोगों ने लव मैरिज किया है, तो कॉलेज में फर्स्ट टाइम किसने एक दूसरे से बात किया? एक्चुअली मेरी कजिन ने मुझे इनसे मिलाया था जी। तो बातचीत इन्होंने शुरू की क्योंकि इन्होंने ही उसी को पकड़ा था और कहा था प्लीज उससे मिला करा दो, बात करा दो, बात करा दो। तो बीच में गोटी सेट करते हैं कि भैया आप ये कर दें, तो एक दूध तो हर कोई खोलता है, तो आपने कजन को खोल लिया था। तो पहली कौन सी बात थी जो आपने भाभी तक पहुंचाई थी? ऐसी कोई बात पहली कोई नहीं थी, बस मुझे मैंने कहा था कि पहली बार मैं इसके बाद पहुंचाई थी, क्या ये सर मूवी चलेगी फर्स्ट टाइम? अच्छा, मूवी देखने के बहाने आपने वहाँ से शुरू किया था? शुरू कर लेंगे फिर वहाँ से, तो फिर बात चल रही है 3 घंटे के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं। तो मूवी देखने के बहाने आपका ये प्रोग्राम चालू हुआ और ये सिलसिला चालू हुआ, ये कब की बात है? आज से 5 साल पहले। 5 साल पहले आपको वो प्रपोज का डेट याद है? सॉर्ट ऑफ 7th दिसंबर। 7th दिसंबर ठंडे के महीने में इन्होंने प्रपोज किया था आपको, वेरी गुड। तो ये बताइए कि कौन सी मूवी देखने गए थे आप लोग? हनुमान। भक्ति फिल्म। ओह वाह, क्या बात है, क्या मतलब आपने ट्यूनिंग बना ली कि भाई मोहब्बत भी करना है और पूजा पाठ भी करना है। नहीं, अगर ऊपर वाले का भरोसा होगा, ऊपर वाले का साथ होगा, हनुमान जी का आशीर्वाद होगा, तो ये जोड़ी बनेगी। तो हिमांशु जी आपने तो बहुत बढ़िया काम किया कि आपने ये दोनों जो मल्टीपर्पज काम आपने कर दिखा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि तो शादी आप लोग की हो गई, शादी ब्याह में जब आपने ये फैमिली मेंबर्स को बताया, अपने पेरेंट्स को बताया कि हम लोग भाई शादी करना चाहते हैं, तो कुछ परेशानियां हुई, कोई दिक्कत हुई? मेरे साइड से तो कोई परेशानी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को कोई दिक्कत नहीं थी इस चीज़ से। अच्छा, इसके पेरेंट्स को दिक्कत ये थी कि नासिक से गोरखपुर आना एक बहुत दूर का डिफरेंस हो जाता है, और नासिक बॉम्बे हो गया, एक महाराष्ट्र हो गया, वहाँ से आने के लिए इसको बहुत दिक्कत हुई। अच्छा, तो आने जाने की वजह से वो बोल रहे नहीं उधर नहीं जाएंगे? हाँ, ये कोई बात नहीं, नहीं वो बेटी को तकलीफ होगी। अच्छा, मतलब इस वजह से। तो फिर कैसे मनाया आपने? मैं इसके पापा से जाके मिला, उनसे अकेले बात किया, उनको ट्रेन का लिस्ट बताया, हाँ। ये ट्रेनें जाती है, ये डायरेक्ट जाती है, आप इस पे बैठाएंगे कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो वो मान गए, वो मान गए, वेरी गुड। ऐसे हुआ था भाभी? सारा चीज टैकल कर लिया और मतलब सारी सहूलियतें एक बार आपने फाइनली इनको बताया कि अब शादी की बात तय हो गई है, शादी करनी है, ये तो कितनी सुविधा वाली बात है। हिमांशु भैया जैसे आपको हस्बैंड मिले कि कितने केयरिंग है, ये देख सकते हैं आप कि मैंने ऐसे इनके हस्बैंड चाहिए जो सब कुछ करके ला के दे दे, आप फाइनली कहे कि भैया चलो, वेरी गुड। अच्छा, ये जाने के चाहें कि देखिए शादी तो हुई, मेरे पास प्यार मोहब्बत बना रहा, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है? खोला कब, कौन बात होके ला कि जब ये फाइनल हो जाएगा ये बात तो लड़ जाएगा? सबसे मेजर बात है घूमना, कि इसको 2-3 महीने में एक ब्रेक जरूर चाहिए बाहर घूमने के लिए, लेकिन मैं वो 2-3 महीने इसको ब्रेक देता नहीं, दे नहीं पाते, मतलब देते नहीं है कि दे नहीं पाते हैं, इसलिए उस मेजर वही मेजर बात है जिस पर हम दोनों हमेशा झगड़ा झगड़ा। तो अब झगड़ा जब होता है तो क्या क्या बोलते हैं? झगड़ा जब आता है कुछ नहीं, मैं कुछ बोल तो सकता नहीं हूँ, लड़के कभी प्रॉमिस करते हो, क्यों प्रॉमिस से बाहर कर देते हो, झूठा प्रॉमिस कर देते, यही एक टॉपिक बात जब नुकझोंक हो जाता है, हर 2 महीने पे हो जाएगा। देखिए हमारा अपन ऑडियंस लोगों से भी बता दी हम कि जो प्यारा सा जोड़ी बा, प्यारा सा कपल बा, नुकझोंक बांटे ये लोग के बीच में घूमे के ऊपर, हर केहू के जिंदगी में, हर केहू के रिश्ते में एक नुकझोंक होखेला, ताकि नुकझोंक भी एक प्यार और एक मोहब्बत के हिस्सा होखेला। ऐसा ही नुकझोंक रगवा लोग भी सुन सकते नहीं, हमने के टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल मारी 1800-300-1599 पे, मिस कॉल मारला के बाद हमने के रवा लोग इनके कॉल करें संग, और ऐसे ही मजेदार नोकझोंक रवा लोग इनके सुने की मिली, जैसे रवा लोग इन तरोताजा हो जाए, कैसे कि हमें बार नींबू की शक्ति और हजारों फूलों के खुशबू। हिमांशु जी और खुशबू भौजी, अब हमने के एक ऐसा राउंड खेले के बाद जिम एक बार फिर से भौजी
शकुन के राशि के सुरक्षित करिए और जे राउंड बा उबा एक दूजे के लिए। नया राउंड लेके एक बार फिर से हम हाजिर बानी एक दूजे के लिए। एक दूजे के लिए मैं भैया भाभी रउआ लोग करे के कहा बात सामने देख सकत नहीं रउआ लोग ला स्पेशली हम दिल के डिजाइन में मोमबत्ती के लगवेले बानी। एगो दिल राउ रह और एगो दिल भैया के और ई एक एक माचिस रउआ लोग के पकड़ा दे तनी हम भैया भौजाई के हाथ में माचिस पर। अब स्टॉप वॉच में हम एक मिनट के समय भैया और भौजाई के देहम एक मिनट के अंदर ये लोग के इस सारा कैंडल इस सारा मोमबत्तिया के जरा देवे के बा। तो ये राउंड में ये लोग एक दूसरा के मदद भी कर सकता लोग काहे कि राउंड के नाम ही बा एक दूजे के लिए। और रउआ लोग अभी यहाँ बैठे रहे तो यहाँ से बैठे बैठे कहेंगे जरा पोजिशन ले ली लोगी अपन अपन पोजिशन पर पहुँच जाए लोग वेरी गुड। तो जैसा कि रहा लोग देख सका तानी कि भैया भौजी लोग पोजीशन पे पहुंच गए वा लोग और हाथ में माचिस भी तैयार बा चेहरे पे मुस्कुराहट बा और हमार हाथ में स्टॉप वॉच तैयार बा चलेला और हम स्टॉप वॉच चलाए जा रहल बानी। एक मिनट के समय मिली माचिस निकाल के तीली निकाल के तैयार नौजवान फायर। फटाफट 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 वेरी गुड। देख लगातार बहुत ही धड़ 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 भैया से बहुत तेज बहुत आगे मोमबत्ती जलावे में फटाफट फटाफट चारों ओर से जल रहा बा। बहुत ही मूव कर रहा बाड़ी भैया एक जगह से जला रहे बाड़े अलग अलग टेक्निक अलग अलग कौशल और मोमबत्तियाँ जल रहा बा। वेरी गुड। टाइम 42 सेकेंड टोटल सारा का सारा मोमबत्ती जल गई बा जोरदार तालियां। जैसा कि रघुवल देख सकते हैं कि हिमांशु जी और खुशबू भौजी मिलके सारा मोमबत्ती के एक मिनट के अंदर जला देले बा लोग रोशनी कर देले बा लोग और मोहब्बत के रोशनी चारों ओर फैला देले बा लोग। बहुत बहुत बधाई बा लोग के और यही बधाई के साथ में शगुन के 3000 राशि खुशबू भौजी के खाते में दर्ज हो गई बा। एक जोरदार तालियां होने चाहिए बहुत बढ़िया। और रघुवल टीवी पर बैठ के खाली ताली मत बजाई रुआ लोगिन अपन ख्याल भी रखें और रुआ लोगिन अपन ख्याल कैसे रखें जब हम रुआ लोगिन के एक दिन छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद जब हमनी के वापस आई जाए तो खुशबू जी और उनका परिवार के साथ में अगला राउंड खेलल जाए एक्टिव विल अटूट बंधन जहां एक बार फिर से ये लोग अपन शगुन के राशि के सेव करे के कोशिश करी लोग। हालांकि ये लोग कोशिश में बार बार कामयाब हो रहा बा और ये लोग के ये जो गेम खेले के तरीका बा इसे रुआ लोगिन भी सीख सकत नहीं कि ये गेम कैसे खेलल जाओ। ये बहुत ही टैलेंटेड गेम रहे कि भाई मोमबत्ती जलावे के रहे और वो लोग भी अपन घर में मोमबत्ती जला सकता नहीं। हालांकि टीवी पे जब भी कोई प्रोग्राम आवेला तो लोग कहला एंकर कहले हमें कि काम रहो लोग टीवी पे देख के घर पे ना करी लेकिन हम कह रहा बनी कि रहो लोग भी मोमबत्ती दिल में सजाई और ओकरा एक मिनट के अंदर जलाई जला सकता नहीं। बहुत ही एक कामयाब गेम था। रहो लोग बने रही हमारे साथ और देखते रहें एक्टिव विल शुभ गृह लक्ष्मी।